सर्दियों का दिन चल रहा है और हर किसी के घर में बहुत सारे कपड़े होते हैं, क्योंकि वूलन्स कपड़े निकाल लिए होते हैं सब गृहिणियाँ। और ऐसे में किसी के पास अलमारी है, किसी के पास नहीं है, कोई बैग में भर के रखता है, कोई गांठ लगा के रखता है दुपट्टे में, और कोई कोई कबर्ड में ऐसे ही फेंक देता है। लेकिन फिर भी कपड़े बाहर दिखते ही ऐसे, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ अपने घर का नज़ारा। तो ये देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। तो हर किसी के घर का नज़ारा ऐसा ही होता है, जगह ही नहीं होती है कि इंसान कहाँ रखे कपड़े, कैसे रखे। कबर्ड की कमी हो जाती है, बैग की कमी आती है, कहाँ तक ठूस के रखो समझ में नहीं आता है। तो चलिए इसी समस्या का समाधान आज करेंगे, यानी कबाड़ से जुगाड़ निकालेंगे। आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होने देंगे और आपके घर में जो वेस्ट मटेरियल पड़ा होगा, वेस्ट चीज़ें पड़ी होंगी, उसी से हम एक आपका ऐसा ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाएंगे, जिससे कि आप अपने घर में जितने भी फालतू कपड़े वगैरह, बच्चों के टॉयज वगैरह, बुक्स वगैरह रखी रहती है इधर उधर। ज़्यादातर तो कपड़ों की समस्या होती है, समस्या से जूझती हैं औरतें, क्योंकि कबर्ड में कितना तक भर के रखा जाए, नए कपड़े रखा जाए कि डेली से कपड़े रखा जाए, यही समझ में नहीं आता है। चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए कबाड़ से जुगाड़ निकालते हैं और देखते हैं कि कैसे मैंने वेस्ट मटेरियल से एक अच्छा सा जुगाड़ू ऑर्गेनाइजर बनाया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो देखते रहिएगा वीडियो, मैं अभी दिखाती हूँ। तो ये चीज़ ऑर्गेनाइजर बनाना है एक सिर्फ दुपट्टे से। तो ये है दुपट्टा मेरा, सबके पास होता है दुपट्टा, सबके घर में होता है। बहुत सारे दुपट्टे ऐसे होते हैं जिसका यूज ही हम लोग औरतें नहीं करती हैं, तो इस दुपट्टे से ही हम ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। तो आप देखते रहिए कि किस तरह से बनाना है। तो ये है दुपट्टा, अब इसे मैंने साइड में रखा, दुपट्टा का काम तो है। और फिर इसके बाद से आपको इस तरह का कार्डबोर्ड लेना है, सबके घर में होता है कार्डबोर्ड। आप लोग जैसे पार्सल वगैरह आता है वो कार्डबोर्ड होते हैं, कुरियर आता है वो कार्डबोर्ड होते हैं, तो वो वाला कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास वेस्ट पड़ा हुआ था तो मैं इसी से दिखाती हूँ। इसकी लंबाई करीब 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई करीब 15 सेंटीमीटर है। तो ऐसे ही मेरे पास दो है, यानी एक था मैंने दो कर दिया इसको काट के, और फिर इसी से मैं बनाऊंगी। आप तीन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद से हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, तो ये देखिए मेरे पास क्या है, ये है कुशन कवर। कुशन कवर का यूज़ करेंगे। आप कहेंगे कुशन कवर से अब क्या बनाना है, ये नया कुशन कवर नहीं है, ऐसा कुशन कवर है जिसका मैं यूज़ नहीं करती हूँ, जो बिल्कुल बेकार हो चुका है। और मैं इसे होता ना रद्दी कपड़े, उसमें मैंने फेंक दिया था, लेकिन जब मैंने जुगाड़ से जुगाड़ निकालना सीखा, समझा इस चीज़ को, तो मैं इसको निकाल के लेके आई हूँ और आप लोगों को इसी से बनाना सिखाऊंगी। देखिए बिल्कुल पुराना है और इसका यूज मैं नहीं करती। तो दो कार्डबोर्ड है तो इसके लिए मैं दो कुशन कवर लूंगी। तो आपके पास अगर कुशन कवर नहीं है तो आप तकिए का कवर भी ले सकते हैं। तो जो बेकार है आपके घर तकिया का कवर यूज नहीं होता है, पिलो कवर, उसका यूज आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, अब बैक कैमरा से आप दिखाऊंगी तभी समझ में आएगा आप सबको, कुशन कवर और ये कार्डबोर्ड है। तो इसको हम पहले सबसे पहले इसका चेन खोलेंगे और इसके अंदर इस तरह से इसको डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हम कर देंगे। इधर का कपड़ा बड़ा है तो इसे बड़ा ही रहने देंगे बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि इसलिए हमारा बाद में यूज होगा। तो दूसरा भी हम सेम कर लेंगे। दुपट्टे का यूज होगा। यहाँ से ये कोना इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से यहाँ से ये कोना लगाएंगे और इसको इस तरह से ये
सिलते हुए, ये इस तरह से इसको सिलते हुए ये देखिए अब बिल्कुल इस कोने तक आ जाएंगे, इस कोने तक आ जाएंगे, इस कोने तक आ जाएंगे। दुपट्टा इतना ही बड़ा है जितना बड़ा मेरा कार्डबोर्ड है, तो मैं इसको सिल लेती हूँ और इसे मैं हाथों से ही सिलूंगी, मशीन का यूज नहीं करूँगी। और ये जो ऑर्गेनाइज़र मैं बना रही हूँ बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे बन रहा है, इसमें कोई पैसा वेस्ट नहीं जाएगा आपका। और जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारे घर पे, जो भी कपड़ा मैंने लगाया है, कुशन कवर लगाया है, कार्डबोर्ड लगाया है, सारा वेस्ट मटेरियल है। ये देखिए सिल के तैयार हो गया, इस कोने से उस कोने तक दुपट्टे को घुमा के हमें सिलना है। और ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, इस तरह से, तो हमें देख लेना है बीच में, एक बार सिल जाए तो इसको इस तरह से करके देख लेना है कि सही तरीके से बना है कि नहीं बना है। और इसमें मैंने मशीन का भी यूज़ नहीं किया है, तो इसको हर कोई बना सकता है जिसके यहाँ मशीन है, जिसके यहाँ नहीं है, हर किसी के यहाँ मशीन नहीं होता है। तो दूसरा वाला कार्डबोर्ड हम इस तरह से लगाएंगे, क्योंकि ये देख लेंगे करके कि कितना हमें ऊँचाई चाहिए, कितना गहराई चाहिए नीचे वाले का। तो इस तरह से हम दो तीन भी लगा सकते हैं, जितना आपको चाहिए, जितनी आपकी ज़रूरत है आपके घर में उतना आप लगा सकते हैं। तो चलिए फिर से दूसरे वाले को सिलना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने बेटे को बुलाया है, वो ऊपर से पकड़ा है, मैं उसी का मेजरमेंट ले रही हूँ कि कितना मुझे चाहिए। तो फिर इस तरह से मैं कोई पिन विन की हेल्प से इसको टक कर दूँगी, ताकि वो इधर उधर ना खिसके और आसानी से मुझे पता चल जाए कि कहाँ से कहाँ तक सिलना है। तो मैं इस कोने पर भी एक पिन लगा दी हूँ ताकि इस तरह से टक हो जाए। तो अभी तक तो वो पकड़ा है, फिर मैंने इस तरह से इसको सिलना स्टार्ट कर दिया और दूसरे कोने पे भी मैंने पिन टक कर दिया था ताकि पता चल जाए कि कहाँ से कहाँ तक इसको सिलना है। देखिए दूसरा भी हिस्सा भी मेरा सिल चुका है, इस तरह से आप तीसरा भी सिल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ दो का ही बताया है आप सबको, आप तीन भी लगा सकते। ये बनके रेडी हो चुका है, अब हम दूसरा वाला हिस्से को इस तरह से, इसमें ये है चूड़ी, है चूड़ी लगा देंगे तरह से। इसको एक बार और घुमा देंगे, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से एक बार और घुमाने के बाद यहाँ से इसको टक कर देंगे, सुई धागा की हेल्प से इसको टक कर देंगे। इस तरह से टक करने के बाद हम इसको इस तरह से कवर भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोई ऐसी चीज रखी है जिसको आप कवर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से इस तरह से कवर भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको लगा के दिखाती हूँ आप सबको। ये देखिए मैंने इसे यहाँ पे हुक में लगा दिया है, मैंने सिर्फ इस रूम में दिखाने के लिए लगाया है, वरना मैं इस रूम में इसे नहीं टांगूंगी, मैं इसे अपने फ्री वाले रूम में टांगूंगी जहाँ पे मैं कपड़े वगैरह रखती हूँ। तो देखिए इस तरह से सेल्फ बन के तैयार हो जाएगा, आप इसमें कितने भी कपड़े रख सकते हैं, काफ़ी मजबूत है और देखने में भी सुंदर लग रहा है। और मैंने इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया है ताकि और देखने में ये प्यारा लगे, सुंदर लगे। और देखिए बहुत सारे कपड़े मेरे इसमें एडजस्ट हो गए हैं और बच्चों की बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए उलन कितने सारे अभी भी मैं इसमें रख सकती हूँ, पर मैंने इसमें थोड़ा सा भी रख के दिखाया है आप सबको। आप इसे तीन खंधे का भी बना सकते हैं। तो देखिए हर तरह से मैं इसको घुमा के दिखा रही हूँ, आप इसे मतलब कम जगह में, कोई भी अलमीरा की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कबर्ड की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बैग में रखने की ज़रूरत नहीं है, आराम से इसमें देखिए कपड़े दिख भी रहे हैं, कौन सा निकालना है, कौन सा पहनना है, बच्चे आराम से आसानी से इसे निकाल सकते हैं, पहन सकते हैं। हो चुका है, तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि बच्चों के टॉयस वगैरह रख सकते हैं, या फिर बुक्स वगैरह रख सकते हैं, और भी कुछ भी सामान रख सकते हैं। तो इसमें और भी कपड़े आपके देखिए एडजस्ट हो जाएंगे, ऊपर भी और सारा एडजस्ट हो सकता है। और इस तरह के चाहें तो आप तीन
भी बना सकते हैं, तीन सेल्फ भी लगा सकते हैं। तो मैंने सिर्फ दो लगाया था, आप तीन भी लगा सकते हैं और इसकी हाइट को और ऊपर कर सकते हैं। तो अगर आपको ढकना है तो ये पीछे जो कपड़ा बचा है ये वाला, इसको आप आगे की तरफ से कर सकते हैं, तो इसे आप अच्छे से ढक भी सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये था आज का DIY जो मैं घर पे बना के मैंने तैयार किया है, और इसे मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाया है। तो आप सबको अगर थोड़ा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा आपके लिए तो ज़रूर एक लाइक करिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए भी ना मत जाइए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया कर ताकि आने वाले मेरे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।